नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु के वक्री भ्रमण की और मिथुन लग्न की। देखिए, मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु जो होता है वो आपके सातवें घर का स्वामी है और आपके दशम भाव का स्वामी है, यानी कि पार्टनरशिप का और लाइफ पार्टनरशिप का घर है ये, और आपके 10th हाउस को रिप्रेजेंट करता है आपके करियर से। और अभी ट्रांजिट में जो गुरु है वो 12th हाउस के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, 12वें घर में वृषभ राशि के अंदर, और वक्री होने जा रहे हैं गुरु। और गुरु का वक्री अंतराल 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक है। तो ये समय के अंदर गुरु का वक्री भ्रमण मिथुन लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, गुरु के अंदर 12वें घर में आपके निकल रहा है जो मिथुन लग्न के हिसाब से वृषभ राशि में, तो सप्तमेश होकर जब 12वें घर में वक्री होंगे गुरु, क्योंकि ये रिलेशनशिप के भी कारक होते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी जो मैरिज है, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है वो बढ़ सकती है। कोई भी प्रकार का कोर्ट केस से संबंधित अगर कोई समस्या है तो इस समय के अंदर खास करके ध्यान रखिएगा, और मुझे लगता है बहुत रिएक्टिव होने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर अगर पार्टनरशिप है तो वहां पर भी कुछ केसेस या कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो परेशान कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैरिड लाइफ के अंदर भी विवाद और विवाद शायद हो सकता है कि ब्रेकअप तक पहुंच जाए। चीजें जो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट लंबे समय से चल रही थी और मैरिज तक पहुंच चुकी थी, ऐसी परिस्थितियों के अंदर चीजें टूट जाती है। तो ये समय मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के लिए एक तरह का एग्जामिनेशन होगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होंगी कि जहां पर आप अपनी रिलेशनशिप को री इवेल्युएट कर पाएंगे। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कुछ भी कर लो, ये वक्री भ्रमण है और 12th हाउस है, 12वें घर के अंदर वक्र अवस्था है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप बहुत संभल के चलाना होगा। दूसरी चीज ये भी है कि मुझे लगता है कि इस समय के अंदर बहुत ज्यादा आपके लिए करियर के अंदर भी काफी चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगा, क्योंकि 10th लॉर्ड बनकर आपके 12th हाउस में है। जो लोग फॉरेन लैंड्स के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है कि आपको कुछ अच्छे चुनाव करने का मौका मिलेगा। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि 12वां घर है, यहाँ पर करियर से रिलेटेड बहुत सारे लोन्स लेने हैं, तो वहां पर आप बहुत सतर्क रहिएगा। कहीं पर भी नया काम शुरू करते हैं तो कहीं पर भी बहुत बड़ा लोन उठाकर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव अप्रोच रखना होगा। 12th हाउस के अंदर भ्रमण है तो एक चीज है कि खर्च यहाँ पर बढ़ सकते हैं, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज होंगे तो वहां पर आप कुछ कुछ कोर्ट केसेस से कनेक्टेड एक्सपेंस हो सकते हैं। यहाँ पर खर्चे अनियंत्रित रहेंगे, ये चीज का ध्यान रखिएगा। जो लोग अनमैरिड है, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैरिज के लिए बहुत डिलेज होंगे, बहुत ज्यादा हो सकता है कि आप फाइनलाइज करने की कोशिश करें पर वो चीजें डिले होती चली जाए, कहीं पर आपको वेटिंग में रखा जाए, या कुछ भी कह सकते हैं कि जहां पर रिलेशनशिप में चीजें आगे ना बढ़े, और जिनकी ऑलरेडी फाइनल हो चुकी है उनको भी इस समय के अंदर सतर्क रहना है। दूसरी चीज यही है कि जो लोग रिसर्च बेस्ड कार्य कर रहे हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन में है, जो एक तरह से कहें कोर्ट कचहरी का काम करते हैं, जो टीचर्स हैं, उन लोगों के लिए परिस्थिति फिर भी बेहतर कहूंगी मैं, कि जिनको कुछ एनालिसिस करना है, कुछ रिसर्च करना है, जो आईटी क्षेत्र में है, जो फॉरेन लैंड्स की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए परिस्थितियां मुझे लगता है बनेगी जरूर, मगर वहां जाकर भी परिस्थितियां आसान नहीं होंगी। मतलब वहां पर भी आपके लिए एक तरह से कंटिन्यूस बेस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। गुरु का यहाँ पर 3 दृष्टि संबंध बनते हैं। एक दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव में बढ़ता है, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का रहता है। और यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि डेफिनेटली प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी कार्य आपका रुका हुआ है तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ डिलेज हो जाए। दूसरी चीज, कहीं पर कंस्ट्रक्शन है तो वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा समय ले सकता है। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि चीजें होंगी जरूर मगर डिलेट्स के साथ होंगी। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आप कोई भी घर की प्राप्ति करना चाहते हैं या घर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आपको घर मिलने में कुछ आपको डिलेज महसूस होंगे, मगर
मुझे लगता है कि बहुत मेहनत के बाद काम बनेगा जरूर। यहाँ पर 2-3 बार आपको लगेगा फाइनलाइज होने की परिस्थिति है, मगर फिर भी थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। दूसरी चीज, यहाँ प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी विवादित अवस्था है तो मुझे लगता है कि वहां पर वक्री गुरु में बैठकर सॉल्यूशंस निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। आप परिस्थितियों को हो सकता है कि बहुत ज्यादा झगड़े की परिस्थिति न करते हुए शांति से बैठकर घर परिवार में जो भी मैटर है उसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वक्री गुरु जो होता है वो बहुत ज्यादा झगड़े में नहीं, मगर बात कर शांति से चीजों को रिजोल्व करने की कोशिश करता है, तो इस तरह की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। गुरु का एक दृष्टि संबंध यहाँ पर बनता है छठे घर में। ये यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि बहुत लोन अगर चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोन आपको प्राप्त हो जाएगा, मगर लोन के अंदर एक चीज जरूर कहूंगी कि बहुत बड़े रिस्क टेकिंग लोन्स नहीं लेने हैं यहाँ पर। बिजनेस से रिलेटेड आप बहुत बड़े, आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं या कोई बड़ा एफर्ट शुरू करना चाहते हैं, पर ग्रेजुअल लेवल से स्टार्ट कीजिएगा। बहुत बड़े रिस्क टेकिंग एक्टिविटी को इस समय पे नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है नुकसान दे सकता है। दूसरी चीज, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। लोन की बढ़ोतरी करने में ये गुरु डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको, यानी कि आपको जो भी लोन प्राप्त चाहिए आपको प्राप्ति में मदद करेंगे। गुरु का ये जो दृष्टि संबंध है आपको सही मेडिसिन प्राप्त करवाएगा, और मुझे लगता है कि इस समय के अंदर आप शायद 2 से 3 ऐसे प्रॉब्लम्स, अगर कोई भी ऐसी है तो उसको लेकर आप 2-3 जगह पर एडवाइस लेकर कार्य करेंगे तो ज्यादा सलाह सही रहेगी आपके लिए। मगर यहाँ एक चीज जरूर है कि परिवार में हो या कहीं पर भी हेल्थ इश्यू को लेकर खर्च हो सकता है। दूसरी चीज, यहाँ कहीं पर भी आप बातचीत कर कर चीजों को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए सॉल्यूशंस निकलेंगे। अगर झगड़े करेंगे, कहीं पर भी विवाद की अवस्था क्रिएट करते हैं तो आपके लिए नुकसान 100% है, क्योंकि ये केसेस के घर में है, ये 12th हाउस है, खर्च के घर में है, कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड खर्च होंगे और फैमिली के अंदर विवाद क्रिएट होगा। तो मैं एक ही चीज कहूं कि अगर बैठकर शांति से रिजोल्व करेंगे तो परिस्थितियां डेफिनेटली एक वक्र अवस्था में आप रिजोल्व कर पाएंगे। यहां से गुरु का दृष्टि संबंध अष्टम भाव पे पड़ता है, 8th हाउस के ऊपर पड़ता है, तो ये रिसर्च बेस्ड चीजों में हेल्प करता है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मेडिसिन का या आईटी क्षेत्र का रिसर्च है तो बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक चिंतन में बहुत बढ़ोतरी होगी, स्पिरिचुअल कार्यों में, मंत्र साधना में, कोई भी चीजें, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब सीखना चाहते हैं तो ये समय के अंदर आप कर पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर सीखना है तो ये समय बहुत अच्छा है। लर्निंग, किसी के नीचे रहकर कार्य सीखना चाहते हैं, नीचे किसी बहुत अच्छे गुरुजन के नीचे कार्य करके उनसे बहुत कुछ सीखने की प्रवृत्ति रखेंगे तो ये समय बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप खुद मेडिटेशन है, मंत्र साधना है, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूस बेस पर बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक रिसर्च का समय है, इसके अंदर रिसर्च कीजिएगा, जो भी आप काम में परफेक्शन लाना चाहते हैं उसको सीखने की कोशिश कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।